दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है। हमारे यहाँ 3 दिन से पानी नहीं आ रहा था, और एक तो हमारा जो फ्लोर है ना, टंकी का भरने वाला सबसे टॉप फ्लोर पे है, तो चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए किट्टू मौसी को, ये जो अंकल है, मतलब आपको पता होगा जिसके साथ हमने होली खेली थी इस बार, वही अंकल है, मतलब प्रांशु के पापा। वो आंटी नहीं आई थी तो इसलिए वो किट्टू मौसी पर छोड़ रही है। आंटी अभी गांव में आधा तो गिर जा रहा है, जाने दीजिए। कोई नहीं, अपने आप गिरता है। वो वाला गिर रहा होगा ना? नहीं, वो खाए वाले दाने। दोस्तों, अभी देखा कि हम अभी कर रहे थे तो हमसे नहीं हुआ अच्छे से, तो दीदी आ गई हैं, तो अंकल बोल रहे हैं कर दीजिए। आपको ये बोल रहे फटकना, और हम लोग कहते हैं ना पछोरना, हम लोग पछोरना बोलते हैं। अच्छा, जो हल्का रहता है निकल जाता है। देखिए दीदी को आता है, ऐसे हम भी कर रहे थे, हम तय नहीं हुआ उतने अच्छे से, और ये सब देख रहा कि मेरी मम्मी क्या कर रही है। ये देखते हैं सब, क्योंकि ये चार जिंदगी में हमें सब कर रहे काम, वही तो कर रहे हैं। हल्का रहे ना, कीड़ा वाला निकल जाता है। अच्छा, जो हल्का रहता है वो निकल जाता है। फिर उसको ना एक होता है झरना छानने वाला। अच्छा, अंकल के पास झरना जा रहे लेने के लिए। क्या बोले? वो बोला कि नहीं। क्या वो टंकी नहीं खुला है नीचे का? अरे वालू थक गए सोनाक्षी। कब तो टंकी खुला है? मेरे टंकी को हम लोग क्या कहते हैं, झरना। और इनका स्टील का, हम लोग के गांव में भी वो जो बीच का होता है तार होता है उसका, और ये पूरा इनका पता नहीं किस चीज का है। फैमिली, हमारा मोटर कब से चल रहा है, दोपहर से मोटर चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारा पानी नहीं भरा है। और हम आपको आप लोग देख रहे हम कितना काफी देर से आके बैठ खड़े हुए छत पे, और मैंने कितना टेंशन रहा है कि टंकी क्यों नहीं भर रहा है, कब से भर लगा, मोटर चालू हुआ है लेकिन टंकी भर नहीं रहा है। इन तीनों का टंकी भर गया है, लेकिन हमारे हाँ जी, हम तो आए थे, उतना ही था, इतना ही कब से है। प्यांसु कहीं से गिर तो नहीं रहा है पानी? प्यांसु में थोड़ा सा भरा है। कहाँ जाएंगे, वो पूछिए ना। A few moments later. तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पतिदेव वहाँ पे, पतिदेव मेरे खड़े हुए हैं, और आज ये इनका मन नहीं था स्कूटी से जाने के लिए, तो ये बोले कि आज मैं मेट्रो से जाऊंगा या फिर ऑटो से चला जाऊंगा। तो फिर देखिए स्कूटी को साइड में लगा रहे हैं। थके हुए इंसान आते हैं फिर कामों में लग जाते हैं, ड्यूटी का काम करो, घर का काम करो। तभी कि मैं चाबी मांगे तो मैंने इनको ऐसे ऊपर से फेंक दिया, और फेंकने के लिए ये दोनों लोग भी तैयार रहते हैं, कुछ तुरंत आ जाते हैं। सबसे पहले तो ऋषभ तैयार हो जाता है। ऋषभ, क्या देख रहे हो? ये सारे कपड़े सूखे हुए हैं क्योंकि, अरे कहाँ चले गए, आ रहे हैं अब, देखिए बेल बजाएंगे। तू हंस के बोल लू ये जान, दिलवा की दौरद बढ़ गई तू। अरे पता नहीं क्यों ना आजकल का लाइट यहाँ नहीं चल रहा है। तू हंस के कहाँ भैया, वीडियो होने खातिर खड़ी हो क्या? दिलवा की दौरद बढ़ गई। अरे तू हंस के बोल लू ये जान। बाबू कुछ नहीं, बोलो। कुछ नहीं, पार्क लाइट क्यों नहीं चल रहा है? सब लोग बोले ना बहुत अच्छा घड़ी है, आपकी दीदी चॉइस बहुत अच्छी है,
आप बहुत सोच समझ के सामान मंगाती हैं। मेरा ब्लॉग आने वाला है। हमको पता है 8:30 बजे आपका ब्लॉग आएगा। ये देखिए शूज वगैरह निकाल रहे हैं। और ई रिसव न, हम किट्टू हैं, आप रिसव और सोनाक्षी को बोल रही है। तो चलिए पहले तो आप फ्रेंड्स हो जाइए, पसीने में डूबे हुए हैं और मैं इतनी पागल थी कि मैंने पंखा सॉरी वहां से ऑन करो, कूलर चालू कर दो। हाँ बाद में बात करेंगे, पहले इनका ब्लॉग आने वाला है, पहले ब्लॉग देख लेते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं सोनाक्षी मेहंदी लगा रही होगी ऋषभ को। ऋषभ बोल रहा है कि मुझे अच्छे से मेहंदी लगा, ऋषभ की शादी सावन के महीने में, ऋषभ भी लड़की शादी लड़के लोग भी ऋषभ ने लड़की ढूंढ ली। और भैया ऋषभ शादी कर रहे हैं क्या? हाँ ऋषभ शादी, किससे शादी कर रहे हैं? ऋषभ हमको बुलाओगे शादी में? आई मीन अकेले अकेले शादी करोगे? कौन है वो? कौन है वो? हुस्न की गंदी है ऋषभ वो लड़की। सोनाक्षी बहुत अच्छा मेहंदी लगा रही है यार। सोनाक्षी देखो ऋषभ, इधर देखो। कौन है वो लड़की? ए ऋषभ इधर देखो। कौन है? कौन है वो लड़की? ऋषभ कौन सी लड़की शादी कर रहे हो? पागल खाने से हम आएंगे, खाने आएंगे और बहू को अपने उतारेंगे। मेरी बहू आ रहेगी तो हम पापा बने नहीं और ससुर पहले बन जाएंगे। कितना अच्छा होगा ना ससुर बनोगे और सुनाओगे। ऋषभ बड़ा हो जाएगा तो ऋषभ जैसे आप छोटे थे ना वैसे सेम ऋषभ भी ऐसे ही थे। पापा तो चाचा बन जाएंगे। क्या बोलते जब ऋषभ मान लो हम बड़े हो जाएंगे, ऋषभ जब बड़ा हो जाएंगे इसकी शादी होगी, इसकी बीवी आएगी, हम इससे आशीर्वाद देंगे ना। अच्छा आशीर्वाद देने के लिए इतने खुश हो रहे? वाह तो अभी भी दे सकते हो ना ऋषभ। पानी से छुटा लोगे? बीबी से हमको मिलवाओगे? कौन सी वाली बीबी? तुम्हारी दो चार बीबी होगी क्या? ए मेरा खाना जल जाएगा। तो फिर तुमने क्या बनाया? आज हम बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी और ये बना रही है चावल। आलू टमाटर सब्जी तो कल भी बनाई थी, तो कल भुजिया था, आज ग्रेवी है क्योंकि आज वो अरे वो क्या बोलते हैं तोरी वो था, भिंडी था, भिंडी बनाए थे सुबह। अरे तो कुंदरू सब्जी था, ऐसे सादा खाओ के दाल चावल तो उसे क्या है? कल सुबह खाना बना के खिला के आप खाते हो तो तुरंत चल देते हो तो काम नहीं रहेगा। इनको खाना या कुछ सुबह नाश्ता करा दो ना तुरंत चले जाएंगे बाथरूम में, तो क्या मतलब इनको खाने का? ऐसे थोड़ी बाथरूम में चले जाते हैं, नहीं सिस्टम थोड़ा सा वीक है ना। सुबह खाते हैं ना, पता नहीं क्यों इनका पेट खराब हो जाता है, इसकी वजह से मैं इनको सुबह खाना बना के। गाइस दिखाते हैं किट्टू रानी की सब्जी। ये कोई सब्जी नहीं, अरे आलू टमाटर सब्जी, इतनी खूबसूरत सब्जी, वाह क्या सोचेगा की किट्टू ये भी दिखा दे रही है। क्या दिखा रही है? आलू टमाटर सब्जी सब्जी नहीं होती है। एक बार चाय सोनाक्षी बनाई थी तो हम पिए थे, तो हम कहे आप आए हो तो आप ना उनके लिए रख देते थोड़ा सा। थैंक यू किट्टू जी। जिंदगी के बिना प्यार को, तुम हटा लिए मेहंदी अपना। अच्छा ठीक है, लेकिन आज का चाय अच्छा नहीं बना। मेरी माँ ने हमें पगली बोल देता है, इतना हिम्मत नेक्स्ट मॉर्निंग। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है और पतिदेव का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, लेकिन बारिश हो रहा है, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप जाएंगे जी? जाएंगे ये जाएंगे। और सोनाक्षी भी सो के उठी है, ये बोल रही थी कि इसका जब क्लास जिस दिन नहीं रहता ना उस दिन बहुत लेट मिस होती है, इसका जिंदगी एकदम अच्छे से हो जाता है, बोलती है आज मेरी जिंदगी है। तो मैं इनको चाय ब्रेड ला के दी हूँ, लेकिन चाय ब्रेड खा नहीं रही, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उस पर रख दो। और बारिश बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मस्त हो रहा है, हरियाली रह रही है। नहीं 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 जैसे कि होता है ना बहुत कभी कभी हल्का, देखिए आप दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा जिम 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 जैसे दिख रहा होगा। तो आप ड्यूटी जाओगे तब पर भी? हाँ लड़के के अंदर आगे भीग जाएंगे। जाइए आप ड्यूटी, चाय ब्रेड खाइए, देखिए कैसे चाय ब्रेड बैठ के खाते हैं ये,
पेट निकल रहा है। मैं इनको ये बोले ना नॉर्मल पानी, तो हमके नॉर्मल पानी नहीं देंगे आप, गर्म भी पानी देंगे आपको पीने के लिए। मिलते हैं आप सबसे कुछ देर में।